क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मोगलपुरा सेक्शन में आर्टिशन ग्रेड 2A की मेरी एक पोस्ट है। मैं डिस्कनेक्शन के लिए हमारे एडी साहब ये की डिस्कनेक्शन की एक ही लिस्ट दिए थे, एफ क्लास लिस्ट थी। 1 ईयर बैक के एक ही अमाउंट बकाया है उसका, डिस्कनेक्शन करो ये। अभी आने पेमेंट की एक ही मैं गया, जाकर पेमेंट पूछे तो कि इससे 2 महीने पहले भी टच किया तो नहीं दिए उन्होंने। मैं फिलहाल परेशान हूँ, मैं बाद में देता हूँ सलीम भाई, छोटे छोटे बच्चे है वो है बोले तो। मैं लाइट चालू कर देकर आ गया, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद गया, फिर जब भी उन्होंने यही अल्फाज बोले गए, मैं कहने पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, छोटे बच्चे हैं सलीम भाई, लाइट कट कर देकर चले आ रहे आप, मत करो ऐसा। मैं आते ही पैसे मैं भर देता हूँ, फिर 2-4 दिन का टाइम दियो बोले। उसके 2-4 दिन के बाद तो मैं टच नहीं किया, फिर मंथ के बाद ही एक ही टच किया, फिर इस मंथ में मैं जाकर एक ही टच किया तो एक ही लाइट कट कर दिया, डिस्कनेक्शन कर दिया। टच करने बाद से एक नोटिस लिया, नोटिस रिलीज करके डिस्कनेक्शन कर दिया। करे बाद से एक ही उनको नाइट में एक ही मेरे को फ़ोन करे, 6:30 के दरमियान फोन करके ACP ऑफिस कने आइए आप, आके पैसे लीजिए, मैं 5000 मैं देता हूँ आपको बोलकर बोले। तो बोला ACP ऑफिस कने मैं गई को मीटर जहाँ है मैं वहाँ पर आके पेमेंट दीजिए, वहीं रसीद ले लीजिए आप मेरे से, लाइट भी चालू कर देता हूँ, नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। मतलब मेरे को ऑनलाइन पेमेंट लेने की मेरे को अथॉरिटी नहीं है, नहीं तो हम ले सकते हो ऐसा ऑनलाइन पे पेमेंट, आप ऑनलाइन पे कर दे के रसीद मेरे को भेज दीजिए, नहीं तो बोला। ये पुरानी हवेली दारू शफा ग्राउंड, ये कि सक्सेसफुल बैक साइड इनका घर है। हाँ मैं बिल मीटर रीडर हूँ, रेंटर है वहाँ पे, घर में उन्होंने रेंट से रहते उन्होंने कि खाली यही बोल रहे कि खाली भरता हूँ पे करता हूँ, नहीं कर रहे। गर्दन चाकू निकाले मेरे को पुश करके एक नीचे गिरा दिए, मार के सीने पे, दो हाथों से मारे था, मार के नीचे गिरा दिए। गिराए बात थे कि हमारे एक साहब भी थे वहाँ पर ही स्पॉट पे, उन्होंने बीच में आके रोके, पॉकेट में थे चाकू निकाले, उन्होंने साइड पॉकेट में से चाकू निकाले कुर्ते की, निकाल के एक ही ऑलरेडी एक याकूबपुरे में मैं तेरे को एक हुए कि यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिया हूँ, अब तेरी बारी है, तेरी भी गर्दन निकाल देता हूँ मैं, क्या करता कर ले जा, केस बुक करता बुक कर, क्या करना है कर ले जा बोल के हमारे एक साहब को भी गाली गलौज करे। ऑलरेडी एक उसके अपोजिट मकान में एक ही TRS पार्टी से एक ही सामने ठहरे हुए, उन्होंने क्या बोले कि एरिया के यही साहब है वो, उनके संगत कैसी बात कर रहे बोले तो भी है कि वैसी है कि उनका बिहेवियर ही रॉन्ग था पूरा, टोटली एक ही गलत बात ही, गाली गलौज के बगैर बात नहीं कर रहे थे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलीम रोही, मीरचौक PSP FIR बुक करने के लिए आए हम लोग, अभी कंप्लेंट देने के लिए आए। हमारे ऑफिसर्स भी बड़े हायर ऑफिसर्स भी पूरे साथ में थे, वो लोग लेके आए, आगे हमारे ऑफिसर्स कंप्लेंट दिए, मैं भी यहाँ पे आया, साहब लोग आके संगाती क्योंकि मेरे ऊपर भी हमला करे थे, इस वजह से मेरे को भी आना पड़ता, आया हमें साथ में। हाँ है, वीडियो भी है साहब, हम आके वीडियो भी है और वहाँ पे स्पॉट पे की अपने कैमरे भी है एरिया के घरों के, उन लोग की वीडियो भी रिकॉर्डिंग ले सकते आप लोग चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं इधर मोगलपुरा का ELC डिपार्टमेंट हूँ। कल जो है सो हमारे आदमी को थोड़े ना पेमेंट नहीं करने से वाले का डिस्कनेक्ट करो बोल के एक लिस्ट दिया था, उसके ऊपर उन्होंने जाके डिस्कनेक्ट करे और जो है सो उन्होंने पेमेंट नहीं करके फिर रात में उन्होंने चालू कर लिए, और उन्होंने सलीम मेरे को, वही उनका नाम सलीम है, उन्होंने मेरे को आके बोला था, बोलने के बाद मैं उनको लेके फील्ड पे गया चेक करने के लिए मैं उनको बुलाया था, उन्होंने आके सीधा हमारा सलीम के ऊपर अटैक करा, गाली गलौज से बात करा और मेरे को भी गाली गलौज करा उन्होंने, और जेब में से उनका जो कुर्ता का जेब है पॉकेट है उसके अंदर से उन्होंने चाकू निकाल के हमारे आदमी के ऊपर अटैक करने गया, मैं रोक के उनको बचाए, उसके बाद आके PS में कंप्लेंट कर रहे अभी, और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है। कंज्यूमर बिल नहीं बने, वो बिल नहीं बने की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।
आज एक कंप्लेंट रिसीव हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहने वाला सलीम रूही ने कंप्लेंट दिए कि मोहम्मद उमर चौधरी के घर का कनेक्शन बिल पेंडिंग हुआ से डिस्कनेक्ट कर दिया। मोहम्मद उमर चौधरी ने इलीगली कनेक्शन लेकर लाइट चालू कर लिया। आज सलीम रूही ने उनका यही के साथ जाकर चेकिंग किया, वायर लगा हुआ मिला। उस टाइम उमर चौधरी सलीम को धक्का मार दिया और अपन जेब से चाकू निकल कर उनको अटैक कर गया। वहां पर मौजूद यही ने वहां से उनको बचा लिया। अब मीरचौक पीएस को आकर और कंप्लेंट दिया जिससे एफआईआर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। अब उमर अब्सकांडिंग में है, उनको पुलिस तलाश कर रहे हैं।